एडिशन आम से नो टेबल कबां फन बॉक्सिंग नहीं ते इंटरलोकेटर सी तो कने सामु हम उंगे तंगो क्राइस लो फेसबुक लाइव फाये अभान तो ये कुकिंग का ते प्रमोट नहीं सुप्रीमो बुवाग्रा कुकिंग तनियो बोशा का बुवाग्रा कथांग तंशाक ते प्रशा लुकरोक नी बिशिंगो थांचा तंगी तंगनाय हास्तनी ती प्रशा लुकरोक नी जंगजल तंगर अपनो सुपुनानी तुये कुसुक बेरम नी तंगरोक है केबा केंद्र हापुंग नी सामु हम तुये खा फुर्दक लिया बुवाग्रा क्राइस लो फेसबुक लाइव फाये अबाहिनो कुकिंग का बुवाग्रा बोशा का केंद्र हापुंग हास्तनी एडिशन आम नी ते प्रशा लुकरोक नी बागे ते वो फन बॉक्सिंग नानी आवर तुये इंटरलोकेटर सी तो कने हा कोतनी होम मिनिस्टर अमित शाह कॉग्री कलांखा ते कुबुनी अजमारक अवंती सैमन ते अवंती नोटिफिकेशन बसाकले जाका आसामनी मंत्रोकरा हिमंत बसिय शर्मा बव आकोन तुये सैमन फेबा इंटरलोकेटर हास्तिव फाइना कक तंफन मणिपुरनि तं हारकन तुये हासिव सपलिया नायदे नायदे ताबुक तालथामनि कबां दरालाय थांका फेबा ताबसे जते कक्रजा तंफन सामु मुसमु खाइजागे हने खा खामानी ते खा दुमानी फुनका बुबाग्रा बते बो साका जेसे साल बुबाग्रा कथां तंनाय आसुक जतैनो हासिनि तिप्रा सारनि बिसेगो थानसा तंनाय थानसा कमागला थानसानो देरारना बागै गबामा लुकुरक चाइतोगै तंगो फियाबा बुबाग्रा तंसाक तिप्रासानि बिसेगो थानसा तंनाय हनै साइखना रका खुरसथाय क्लैयो लाइथांनाय मेतालनि चार साल मारिबो हासिबो बिजेपी आइपीएफटी कथाजा खापंगनि फिल्लि हापांग जेंजाकबनि आ सालि सानजाउनो हासिनि नारबाय तंथैयो तिप्रा मथनि कुचुकबेरमनि तांगफारन तुये केन्द्र मन्त्री अमित शाह कक्लामा आचोखा कक्लामनि बिसिंते केन्द्र बिजेपी हापां गुबुनि अजमारकबो मानजाखा ते ककचापनि बिसिंते इंटरलोकेटर चंगै हासिनि तिप्रा सापनि हामख्रे खैना कक्रमन तुये बग्रा कक्थम्बो सोंबो अ कक्नो साखा फियाबा कक रुइ थांगबोनो ताबुसो जरते केन्द्र हापांनि सिरिसोर अमहाय सामु हमुं नुगजोगै तमन्ते खा खामनि ते खादमनि फुनुका बग्रा फुंकहाम चिबाई गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मैं बहुत दिन के बाद आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूं। मुझे लगा कि इतना दिन हो चुका है और आप लोग ने बहुत लोगों ने मेरे तबीयत के बारे फोन किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा तबीयत पहले से बहुत कमजोरी है, मेरा वजन भी बहुत घटा है, वेट लॉस हुआ है। तकलीफ तो है लेकिन मुझे लगता है कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यू, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, मातृप्रसन्न सुंदरी का प्यार आशीर्वाद जो मेरे लिए प्रार्थना चर्चेस में हो रहे हैं, दुआ मस्जिद में हो रहे हैं और जो पूजा मंदिरों में हो रहा है। मैं जानता हूं कि बहुत बुद्धिस्ट मंक्स ने अपने मनुष्य में भी मेरे खुशहाली के लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना किया है, तो अब मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं आपको आज सवेरे सवेरे इन द मॉर्निंग दो तीन चीज कहना चाहता था। शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्योत माणिक्य जो बुबाग्रा आप लोग प्यार से बोलते हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबाग्रा खत्म नहीं होगा, टिपरासा का जो दिल का आवाज है, जो थानसा है, वो तब तक खत्म नहीं होगा। और जब तक टिपरासा का थानसा है उनको बहुत मुश्किल लग रहा है, तो उनको लगता है कि अगर मुझे खत्म करोगे तो टिपरासा का दिल टूटेगा, टिपरासा का थानसा टूटेगा, और अगर टिपरासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य टिपरासा का भविष्य से ज्यादा अच्छा होगा। ये कोई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज्यादा नौकरी ले, कौन ज्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास
पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबागरा रहा तो ये पावर टीपरासा के हाथ में रहेगा, अगर बुबागरा नहीं रहा तो ये लोग मैन्युपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए, त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो हां में हां बताए मिलाए, त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जब CBSE का एग्जाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा, त्रिपुरा में लिखो तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा, त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरॉक में ना हो, सिर्फ बांग्ला हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक टीपरासा को दिखाना है जो टीपरासा के बारे बात नहीं करेगा लेकिन बोलेगा कि मैं टीपरासा हूं। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलोक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये, उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा उन्होंने खुद बोला, सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन ऋषिकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कोलोय था, सीनियर लीडर्स थे, MLAs थे। उसके बाद भी मेवाड़ जमातिया था, इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं, तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की